जोहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। नालसा मॉड्यूल 3 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा आयोजित 12 जिलों के पैनल अधिवक्ता गण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुउद्देशीय जज कॉलोनी कांके रोड रांची में चल रहा था, जो आज संपन्न हुआ। इस मंच पर उपस्थित श्री विश्वजीत मुखर्जी साहब, संजय चौधरी साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और इस सभा में उपस्थित हमारे 12 विभिन्न जिलों से आए हुए आगंतुक अधिवक्ता बंधुगण, पिछले करीब 45 मिनटों से मैंने आप सबों की बातें सुनी और मैंने आज का ये जो समापन समारोह है इसके ट्रेनिंग का मैं बिल्कुल भी देखा। मैंने सभी रिसोर्स पर्सन्स के बारे में भी देखा। इसमें जो मैंने अभी 45 मिनटों में बहुत सी चीजें आप लोगों से सीखी है और जो अनुभव हम लोगों ने प्राप्त किया है उसको चंद शब्दों में आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। चूंकि जो कानून है वह एक अनवरत प्रक्रिया है और यह अंतहीन है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि वो सब कानून जानता है, क्यों कि इनके जो शब्द होते हैं एक फुल स्टॉप, कोमा, कोलन, जो उसके पैराग्राफ सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं उनके अलग अर्थ होते हैं। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे कानून हमारे देश में है जिसको हम पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाते, कभी सामना नहीं होता, तो इसके चलते हम यह एक शब्द में कह सकते हैं कि कानून को समझना एक चैलेंज है। लेकिन इसके जस्ट उलट कानून की जो परिभाषा है उसमें देखिए एक शब्द लिखा है कि कानून का ज्ञान न होना कोई एक्सक्यूज नहीं। मतलब कि कोई भी जो कानून अधिसूचित हो गया, नोटिफाई, यह मान लिया जाता है कि सारी जनता उसे जानती। कानून का एक तरफ ये नजरिया है, उसने नोटिफाई कर दिया और वो इतिश्री हो गई कि सारी जनता इसको जानती। रियलिटी ये है कि जनता को तो छोड़ दीजिए, हम सभी लोग जो इसी के नींद से सोते और जगते हैं हमें भी पूरी तरह पता नहीं है ये क्या है। तो एक गैप होता है, इतनी बड़ी गैप है कि जहां कानून का प्रिजम्पशन है और रियलिटी है, तो जहां इतना गैप होता है वहां हमारा, आपका और वैसे तमाम लोगों का रोल सोसाइटी में बढ़ जाता है जिनका यह फील्ड है, क्षेत्र है, और तब ऐसे आयोजन किए जाते हैं। इसलिए कि हमें विभिन्न लोगों के जानकारी के आधार पर, विभिन्न कानूनों के आधार पर हम अपना नॉलेज बढ़ाएं और इसका लाभ हम सोसाइटी में दें, तो यह एक पॉजिटिव स्टेप्स माना जाता है। समझ लीजिए एक संघ है जो किसी पहाड़ के गुफा में जाकर तपस्या करता है और उसको दिन को रात करने का, रात को दिन करने की ताकत आ गई, वो जो चाहे सो कर दे। लेकिन उस गुफा में ही उस ताकत को लेकर वो मर गए। बहुत सिद्ध संघ था लेकिन उसकी डेथ हो वही, तो उसके उस सिद्धि से क्या फायदा हुआ सोसाइटी को? अगर नहीं होता सिद्ध तो क्या होगा? लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक जड़ी के बारे में मालूम है कि उसे सांप का
20 कम हो जाता है और वो 2000 आदमी को रोज या 200 आदमी को रोज जान बचाता है, तो उसी संघ का वैल्यू ज्यादा है या इस व्यक्ति को? तो हम वैल्यूएबल तब होते हैं जब हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य के लिए काम आए। इसमें रायमन कवि की दो पंक्ति कोट करना चाहेंगे कि एक ही कवि ने एक लिखा कि रहीमन धागा, आप सभी जानते होंगे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए टूटे पैर ना जुड़े जुड़े तो गांठ हो जाए। इसका ये मतलब हुआ जो हम लोग समझ पाए, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा व्यवहार ना करिए कि उससे अच्छा रिश्ता खराब है। क्यों? कि अगर ये रिश्ता एक बार खराब हुआ तो ये इररिकवरेबल होगा, मतलब दोबारा ये जुटेगा नहीं। बहुत प्रयास करने से अगर जुट ही गया तो एक गांठ रह जाती है। क्लियर है? सभी समझते हैं? उसी कवि ने जस्ट दूसरी लाइन लिखी, खत्म यहां से कहानी नहीं होती, लिखा सोना सज्जन साधु जल टूटी जुड़ाए सौ बार। सुने आप लोग? उसी कवि ने कहा, उसी कविता को फिर से कि सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़ाए सौ बार, एक बार नहीं सौ बार, और वो भी बिना गांठ का। सोना में गांठ नहीं होता। और दुर्जन कुंभ कुम्हार का है एक धक्का धरा कि दुर्जन जो टूटता है तो एक बार ऐसा टूटता कि फिर गांठ से भी जुड़ता नहीं। तो एक ही कवि ने एक ही समय में दो बातें कही, एक की जुड़ता नहीं है, दूसरा उदाहरण दिया सौ बार जुड़ता है। अब जब दोनों को एक बार एक जगह रख के समझने का प्रयास करते हैं तो फिर कल्पना बन जाती है, ये कैसे संभव? बस यही जब हम समझते हैं तो वैल्यूएबल होते हैं। इसका अर्थ क्या था जो हम लोग समझ पाए कि एक व्यवहार वह होता है जो हम दूसरे के प्रति करते हैं, एक व्यवहार वह होता है जो दूसरा हमारे प्रति करता है। तो कवि ने एकदम अच्छे तरह से कहा कि जब आपको दूसरे से व्यवहार करना हो तो आप ऐसा व्यवहार करो यह मानकर अगर ये टूटेगा तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यह साधारण आदमी है, और अच्छा व्यवहार करो ताकि उसको कभी भी चोट नहीं लगे, एक बार भी टूटने की नौबत ना आए। लेकिन वहां दूसरी बार कहा कि समाज कहा अच्छा है, उसको पता नहीं है कि तोड़ना क्या होता है जोड़ना क्या होता है। तो कहा कि जब समाज आपके प्रति व्यवहार करेगा तो वो बार बार आपको तोड़ेगा, बार बार ऐसा वो करेगा कि आपको चोट लगे। तो कहा कि वहां आपका काम सोना के जैसा होना चाहिए, संत के जैसा और सज्जन के जैसा होना चाहिए कि सौ बार टूटने पर भी बिना गांठ का जुड़ता है और हर बार और फैलोबल हो जाता है। तो यहां हम इस बात इसलिए करें, यहां जितने हमारे साथ करीब करीब अधिवक्ता बंधु आए, आप सही सौ बार जुटने वाले सोना बने और इसका प्रयास है। तो पहला हमारा रिक्वेस्ट यह होगा कि जब आप समाज में जाएं तो उसी तरह व्यवहार करेंगे, सौ बार टूटने पर भी बिना गांठ का जुड़िए, और आपका व्यवहार जो लिटिगेंट से सोसाइटी से किसी से भी वह हो कि वह अगर आपका हो कि एक बार भी ना टूटे ताकि उसमें गांठ ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इस सेशन का उद्देश्य पूरा होता नजर आएगा। दूसरी एक कहानी कहना चाहेंगे, ये हमने सभी ने सुना है कि खरगोश और कछुए की कहानी थी, और अभी मस्त भी नहीं कि खरगोश था कछुआ था, उसमें दोनों ने एक शर्त लगी कौन डेस्टिनेशन जाएगा। तो खरगोश क्या हुआ था कोई बोलिए? वो सो गया था और सोने के चलते हार गया। इसके आगे की कहानी आपने तो सुनी, कोई एनीवन? खरगोश हार गया,
मॉरल वैल्यू क्या हुआ, स्लो एंड एसटीडी विंस द रेस। ओके, इसके बाद कोई कहानी है आपने सुना? मैं बता दू कि अगर एसटीडी ही सब कुछ है इसका मतलब है कि एसपीडी का कोई वैल्यू नहीं। अगर हम को सिविल को प्राची जाना है धीरे धीरे चल के पहुंच गए, लेकिन अगर दिल्ली जाना हो स्पीड जरूरत है। तो उसके बाद अगली कहानी है उसकी जो हमारे यहां रेलिवेंट है आपके लिए कि जब खरगोश हार गया वो घर जाके चुपचाप बैठा होगा कि कुछ सोचा होगा। उसने सोचा कि वो कछुआ जिसको चलने नहीं आता है वो जीत गया मेरे लापरवाही से, मेरे पास इतना स्पीड था लेकिन मैं हार गया। फिर दूसरे दिन उसने जाकर चैलेंज किया कि आज रेस लगाओ। कछुआ जो था वो मदान हो गया था, उसको गर्व हो गया था कि मैं जीत गया। बिना यह सोचे कि दोबारा कछुआ खरगोश कभी सोएगा नहीं, उसने कहा चल चैलेंज लगाओ। आप सभी लोगों को बताइए कोई भी खरगोश दूसरे दिन कभी सोएगा? वही तो दूसरे दिन जो है सब खरगोश सर पर दौड़ा और जिस डेस्टिनेशन को उसने एक घंटे में पार किया था उसको उसने 5 मिनट में पार किया। खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। मोरल वैल्यू क्या था? ईच एंड एवरी पर्सन हैज इट्स गुडनेस एंड वीकनेस टू। मतलब दो सोलेनेस स्टडी विंस द रेस बट स्पीड हैज इट्स ओन रिलेवेंस। स्पीड भी जरूरी है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, एक और फिर कहा। अब खरगोश तो सदा से तेज है, तीव्र गति चलता है। कछुआ बेचारे को एक ही दिन का ताज मिला था कि भाई जीत गया है, वो भी जीत गया दूसरे दिन। अभी ऑस्ट्रेलिया हुआ 2020 में हार गया, वनडे में फिर जीत गया। तो उसने क्या किया कि फिर से बहुत सोचा, फिर से खरगोश के पास गया, आज तुम लगाओ सब फिर से लगाओ। क्या होना चाहिए कॉमन बिहार में? तो वैसा ही हुआ कि खरगोश उठी उस दिन मदान हो गया, अब तो मैं कभी भी नहीं सोऊंगा, जितना बार लड़ेगा हारेगा मुझे। उसने कहा कि अब उस रोड पर मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं बड़ा आदमी हूं, तुम डेस्टिनेशन तय करो, मैं अब जहां भी दौड़ूंगा। कभी देखो तार का पेड़ है वहां चलना है, राइट ओके। इसी समय पर दोनों दौड़े, खरगोश सोएगा सोएगा सर पर दौड़ा। कुछ देर के बाद देखा कि नदी के उस पार था, उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैं तो खुद दूर हूं, कि डेस्टिनेशन तो पहले देख तो लेता कि डेस्टिनेशन है कहां। तो ही हैड ए स्पीड बट ही वाज मेड टू स्टॉप और वहां ऐसे ऐसे करता रहा। स्पीड होने के बावजूद उस पार डेस्टिनेशन है, ही कमिटेड मिस्टेक और वो घूमता रहा। कछुआ एक घंटा में गया, पार किया, फिर चला गया, दूसरे दिन फिर जीत गया, तीसरे दिन नहीं। एवरी इंडिविजुअल हैज वीकनेस एंड गुडनेस। आपने कहानी पहली बार सुन ली, इंटरेस्ट लग रहा है? पढ़ने के बाद बोर हो गए ठीक है। अब यहां तक तो सब हो गया कॉम्पिटिशन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर सबने कहा, ये पढ़ा होगा देखा होगा सिनेमा कि अच्छे खासे दोस्त आपस में कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। यहां कहानी खत्म नहीं हुई, खरगोश फिर हार गया। अबकी बार उसकी पत्नी ने उसको सलाह दिया कि आप क्यों लड़ रहे हो कछुआ से, वो भी शाकाहारी आप भी शाकाहारी, वो भी चल रही आप भी चल रही, फ्रेंडशिप कर लो कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये सब क्या है, क्या हो जाएगा देश की जगह, तुम गांव में तो जाओगे नहीं, तुम तो जंगल में ही रहो। खरगोश गया, फिर अब जब उसके पास गया तो कछुआ को लगा कि फिर आज रेस लगाए, वो निकल नहीं रहा था कि फिर मेरी तरह खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं भैया आज हम कंपटीशन करने नहीं आए, हम आज आपसे कॉम्प्रोमाइज करने आए। मैं चाहता हूं कि
आपने वो कोई 2.5 घंटे में रेस जीता था। अगर हम लोग अलग अलग दौड़ रहे थे तो जीता आपने भले तो 2.5 घंटे में जीता, मैंने अकेले 5 मिनट में जीता। अगर हम लोग दोनों मिलकर ऐसा इस कॉम्पिटिशन को करते तो टाइम हम लोग कितना अचीव करते, कहा चलो सबके देखते। तो जिसमें खरगोश हार गया था वही डेस्टिनेशन पर फिर से चौथी कहानी फिर बताओ। तो जितना तो प्लेन लैंड था, खरगोश ने कहा कि कछुआ तुम मेरे पीठ पर आ जाओ। कछुआ पीठ पर चढ़ गया खरगोश को, सर पर दौड़ लिया तो 5 मिनट में उस नदी के किनारे पहुंच गए। और जब पानी आई तो कछुए ने कहा अब तुम मेरे पीठ पर आ। और तब खरगोश कछुए के पीठ पर चढ़ा, 5 मिनट में तैर। तो जिस डेस्टिनेशन को कछुआ अकेले पार ही नहीं कर सकता था और जिस डेस्टिनेशन को खरगोश पानी नहीं कर सकता था और कछुआ जो है सो 2.5 घंटे से कम में पार नहीं कर सकता था, दोनों जब मिल गए तो उसको उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में अचीव कर लिया। और तब दोनों के मन में कोई खटास नहीं था। तो खरगोश और टॉर्टोइस की ये कहानी यहां खत्म हो गई। और उसे मोरल हमें क्या मिलता है कि हमारा जो रोल है, कि आपका जो रोल समाज में है, एक दोनों जो पार्टी लड़ते हैं या तो एक गलत रहता है और एक सही रहता है, हमें और आपको मालूम नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उसको मालूम है कि वो गलत है, उसको मालूम है कि वो सही है। हमारा आपका काम क्या है, मोटिवेटर का, कि दोनों खरगोश कछुआ को एक साथ दौड़ा दें। और अगर दौड़ा देंगे तो जो जो 10 साल में न्याय मिलता है वो त्वरित न्याय मिलेगा। और हमारे लीगल सर्विस सर्टिफिकेट का जो जो मोटो है, सस्ता सरल और त्वरित, एक्सेसिबल जस्टिस टू ऑल, किसके खिलाफ, मही कठिन और ज्यादा समय तक मिलने वाली चीजें तीनों के एक्सेप्शन में मिलेगी। तो आई होप कि हम लोग हमारी तरफ से 2 मोटिवेशन लेकर जाएंगे, एक खरगोश और कछुए की 3 और कहानी और सोना सज्जन साधु जन। पूरा छूट जाता है, जो गरीब है जो पैसे नहीं दे सकता है छूट जाता है। और उसको इसका फ्रूट कैसे मिले, इसके लिए हम यहां सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए गए थे काफी मेहनत करके सेलेक्ट किए गए थे और इससे आप लोगों को लाभ मिला होगा। और फिर से हम लोग ऐसा आयोजन करते रहेंगे और ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग एक जाकर के 50 आदमी 100 आदमी को सभी डिटेल्स को समझाएंगे तो 60 आदमी को जो बताया गया है वो 3 लाख लोगों के बीच में जाएगा, ऐसे हम आशा करते हैं।